मतलब वही पूछ रही है कि तलाक के पेपर्स कहाँ हैं, क्यों नहीं मिले, ढूंढो जा। दादी साहब, मैम की कोई गलती नहीं है, मैं सीढ़ी से गिरने वाली थी तो अरमान ने मुझे बचाया। तलाक के कागज मिले तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाके कागज ढूंढो। आज हमें हर कीमत पे तलाक के कागज पे आप दोनों के सिग्नेचर चाहिए। मानो जी, मुझे फिर चाहे किसी का दिल टूटे, किसी का रिश्ता टूटे, हमारा परिवार, हमारी मासा की कोई फिक्र नहीं है। देखा विद्या जी बोल पड़ी, जिन्होंने सारी जिंदगी ना परिवार की परवाह नहीं की, आज इससे आगे ना परिवार की फिक्र कर रहा है। हाँ, क्योंकि इंसान के ना भड़काने का हक होता है, अरे गलती सुधारने का हक होता है, पर तुम्हारी दुनिया में तो गलतियाँ माफ करने का रिवाज ही नहीं है। जब मैंने गलती किया तब मुझे कोस रही, अब मैं सही करा तब भी मुझे कोस रही। आके खोलो विद्या जी, अपने गुरूर में ना, अपनी जिद में ना, आपने हमारी नहीं अपनी बेटी की दृष्टि से उजाड़ रही है आप। बस करिए आप लोग, बस करिए प्लीज। अरे मैं तो हमारे बच्चे के परेशान नहीं करना था। मां, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। इस घर में हर वक्त कोई ना कोई लड़ ही रहा होता है, मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज बस करिए आप लोग। दादी साहब की जो शर्त है उसे मानूंगी या उसके खिलाफ जाऊंगी वो तो कोर्ट में ही पता चलेगा। झूठी गवाही देनी है नहीं देनी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि बोलो कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई। वो एक्चुअली पापा साहब बोल रहे थे कि मैं कल कोर्ट में कह दूं कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई। तुमने क्या कहा? मना कर दिया, और क्या कहता? मेरा मैं तुमसे कितना भी झगड़ा, दुनिया के सामने हमारी शादी का मजाक में कभी नहीं। सब कुछ बदल गया, मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से अपनाया है, ये सच को नहीं बदल सकता। हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता। रिश्ता तो छूटा ही है, आज नहीं तो कल सब हमारा तलाक कर पाए। मैंने फैमिली का सोच के तुमसे कहा था कि तुम घर के मामलों से दूर रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं सोचता। घर में सबसे करने के चक्कर में तुम्हारे साथ कभी नहीं तो उसमें एक्चुअली मैं मुड़ती हूँ और मुझे लगता है चाची साहब वहाँ पे हैं, तो पता चलता है कि अरे ये तो अरमान है, और उनसे थोड़ा सा फिज़िकल कांटेक्ट हो जाता है तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर कुछ हमारी बात होती है, उसमें कुछ नाराज़गी होती है, मैं गिर जाती हूँ, वो बचा लेते, तब तक सारी फैमिली आ जाती है। और दादी साहब मतलब वही पूछ रही है कि तलाक के पेपर्स कहाँ हैं, क्यों नहीं मिले, ढूंढो जाके। तो अरमान निकल जाता है, माँ पापा का भी झगड़ा हो रहा है साथ में, तो बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं उस सीन में। अरे मैं सब पीछे पड़ गए हैं कि बस तलाक करवाओ फटाफट, और दादी सा तो चाहती हैं, और मेरा मकसद था माँ पापा को करीब लाने का। आज हमने एक सीन किया जिसमें वो करीब आ रहे हैं, तो होपफुली मेरे जाने जाने तक हो जाए करीब। सपनों में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब फैमिली के लोग हैं, जो ये सारी मेरी अंतर मन की कहानी है, सबकॉन्शियस माइंड, तो वो कुछ कुछ कोई कोई बोल रहा है। तो अब देखते हैं कि मैं क्या डिसाइड करती हूँ, कि मैं दादी साहब की जो शर्त है उसे मानूंगी या उसके खिलाफ जाऊंगी वो तो कोर्ट में ही पता चलेगा। हाँ, दादी साहब ने बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर रखा हुआ है, तो काफ़ी कुछ प्रेशर है कि करना क्या है अब इस डिवोर्स को लेकर, शर्त माननी है नहीं माननी है, और झूठी गवाही देनी है नहीं देनी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि बोलो कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी।
तो लेट्स सी क्या हो। बस फटाफट आई थिंक कोर्ट का एक सीन आने वाला है, तो कोर्ट रूम ड्रामा शायद आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, तलाक तलाक के अराउंड ही चल रहा है, और माँ पापा की शायद शायद कुछ रिश्ते में बेहतरी आए।